अस्सलाम वालेकुम जी, एनपीआर परी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी, और तुसीं देख रहे हो रेडियो साढ़े वाला, वैब टीवी साढ़े वाला, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सब तो ज़्यादा देखा और सुनिया जाने वाला रेडियो है जी। तुहाडी सपोर्ट की लोड़ है, और असी अज अपनी टीम नू लैके एक बहुत खास जगह देते आए हैं, जिदा इतिहास जिहड़ा खालसा राज नाल और खालसा परिवारां नाल बहुत ज़्यादा जुड़िया होया, खास करके उन्हां लोगों के नाल जिन्हां लोगों ने नॉर्थ वैसट पंजाब नू छड़ के गए है। आम जुबान च लोग दिल्ली च जाके जिहड़े वसे ने उन्हां नू भापे भी कहिंदे ने, ठीक है जी, पिंडी दे भापे। इत्थों तुसीं अंदाजा कर लवो कि यह उहदे एड़ गेड़ वाला इलाका है जिहनू कि कहूटा कहा जाता है, तहसील तहसील कलर सईदां कहा जाता है। अजकल यह दो तहसीलां जिहड़ियां ने बहुत मशहूर ने पिंडी दियां, और ये लागे एक इलाका सी जिन्हों के थोहा खालसा कहा जाता है। थोहा खालसा दे विच जिहड़ा खून वपरिया सी वह लोग अज तक जो याद करते ने तो रूहां कंब जांदियां ने। जी हाँ जी, असी पाड़े दी विछोड़े दी संसंताली दी और कह लो तुसी के खोरे सत संताली दे और बिटर ट्रुथ्स ऑफ 1947 आर्काइव 47 जो भी तुसी नाम दे लवो, लेकिन असी इस जगह दे उत्ते अज विछोड़े नू लैके पहुँचे हाँ। जिहड़े लोग इस धरती नू छड़ के गए, जिहड़े लोगों ने इस धरती नू आबाद कीता सी, जिन्हां लोगों ने ये जमीन आबाद कीतियां सी, जिहड़े फ्लैट प्लेटफॉर्म्स असी देख रहे हाँ, यह कदी हिल स्टेशन सी। यह सारा तुसी साइडां ते देखो, जरा नज़र मारो चारों पासे, अज भी किन्ना जंगल ही जंगल है। इस जंगल दे विच मंगल बनाने वाले बहुत ज़्यादा सारे ऐसे लोग सन जिहड़े कि सन 47 दे विच जदों पाड़ा पिया, जदों गदर पिया, तो उन्हां नूं छड़ के जाना पिया। 126 दे करीब धियां पैणां दियां इस्तां जिहड़ियां सी लुटियां जाणियां सन, उहदे कारण इत्थे खूहां च छालां मारियां गईयां, और कृपानां नाल अपणियां धियां दे छा रगां आप कटियां। एक भाई साहब का मैं इंटरव्यू देखिया सी कि उन्होंने कहा कि साढ़े जिहड़े ज्ञानी सन और साढ़े वड्डे सन 26 कुड़ियां दे गले अपणियां कृपानां नाल खुद कट्टे सन, कट के ते अपणियां धियां नूं खूहां दे सुट्टिया सी। ओह खूह किहड़े सन, ओह थवा खालसा किहड़ा सी, ओह इही थवा खालसा सी, ओह इही तहसील कहूटा सी, इही डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी सी जिथे ये भाणे वरते सन, जिथे कहा कि सिद्धी सिक्खी सिदक नभाया केसां स्वासां दे नाल, और अपनी सिक्खी तो पिछे ना हारे, और सिक्खी सिदक कमा लिया उन्होंने, और वो लोग जाके अज बहुत पूरी दुनिया दे विच फैल गए ने। उन्हां दियां गल्लां जिहड़ियां ने वह कैनेडा की सरकार भी मानती है, तो इंग्लैंड की सरकार भी मानती है, और सिटी कौंसल होवे चाहे डिस्ट्रिक्ट कौंसल होवे भावें स्टेट कौंसल होवे अमेरिका की, उत्थे भी एक वड्डा नाम जिहड़ा वह बोलता है। जी हाँ जी, खालसा पंथ की गल कर रहा हाँ मैं, जिहड़े लोग इस जगह नू छड़ के गए ने, क्योंकि मेरा स्टडी टॉपिक तुहानू पता है कि खालसा राज फुटस्टैप्स इन पाकिस्तान है, कि जिथे भी सिखिज़म नाल जुड़ी हुई कोई यादगार होएगी मैं उस जगह पर पहुँचागा। तुसी अगर यह देखो, ए अंब जिहड़े ने उस चीज़ की निशानी है, एदे नाल जुड़े हुए खूह बावलियाँ असी तुहानू सारा दिखाने हैं। साढ़े नाल इस वेले बहुत ही एक महान हस्ती कह लो तुसी, जिन्हां दा तलक जिहड़ा डायरैक्टली बाबा गुरु नानक साहब दे वंश दे नाल है, और उन्हां दी 18वीं तो 19वीं कुल जिहड़ी है वह बाबा गुरु नानक साहब नाल जाके मिल जाती है। मेरे नाल खलोते हुए ने बाबा जहूर अहमद, शेख जहूर अहमद जी, अगर इन्हों का वंश गिणिया जाए तो शेख जहूर अहमद बेदी कहलाणगे, क्योंकि ये बेदी परिवार तो ने, और बाबा खेम सिंह बेदी की जिहड़ी है कह लो तुसी कि तीसरी जैन है, उन्होंने बेटे बाबा गुरबख्श सिंह और उन्होंने बेटी जिहड़ी है वह जैनब बीबी यानी कि बलवंत कौर जी, और नाल ही नाल उन्होंने अगों जिहड़ी आल औलाद है वो इस जगह उत्ते साडे नाल मौजूद ने। आपां गल करदे हां इन्हां नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जहूर अहमद बेदी बोल रहा हूँ, कंतार सिंह ना बेटा, मेरे बाप का नाम सी प्राणा कंतार सिंह, माई का नाम सी बलवंत कौर। मैं ये जगह मेरे यहाँ बढ़ गया नहीं है, जिथे खड़े हाँ इसनों मशहूर मारूफ जिले रावलपिंडी दुख भजनी कहने, इस खूह के नज़दीक खड़े हैं जिथे मेरे खानदानिया बच्चियाँ मारिया गई और छाली मारिया ने कुछ कतल करके सटिया गई उस खूह ने कोल खड़े हैं। इलाका केड़ा इलाका भी दसो। इलाका जनाब थोहा खालसा तहसील कौटा दुख भजनी मशहूर पूरे जिले रावलपिंडी। दुख भजनी का रकबा कितना? रकबा 75 कनाल। 75 कनाल है, 75 कनाल है जिसने विच
बावलिया और खूह मौजूद है, कुछ निशान मिट चुके ने सारे मुसलमान मिटा छोड़े। गुरुद्वारा इत गुरुद्वारा सी वह भी पट के लै गए और कमरे सन बरामदे सन सब मुसलमान तबाह कर छोड़े। जगह मौजूद है अजे तक, ये जगह गौरमेंट रावलपिंडी ठेके तक देनी चंद बंद की, वह कोई साल रहना कोई छे महीने रहना मुड़ी उस तरह छोड़ के चले जाने। ये जगह सारी गैरबात पई है। दसने हो कि भी इस जगह देते आओ अगे तुसी इस जगह देते आओ ना गया तुसा दसने हो कि इत्थे तुसा अंबा नहीं राखी भी करने रहे हो अंब जे अंबा ने बूटे नहीं थे तकरीबन 10-15 एक जेडे पुराने भक्त ने मौजूद हैं। ये अंब साढ़े मुसलमान भरा जेडे ठेके किन्ने से वो बेचने से अगे ठेकेदार किन्ने से मैं इत्थे राखी भी एक दो दफा की दो दो तीन तीन महीने। मैनू यह दसो तुसी कि एक बंदा जेडे मालक सन ऐसे इन्हां बागां बाड़ियां ने मालक सन 75 कनाली रकबे दे और ऐसे गुरु घर दे किस तरह लगना सा कि उसनी राखी भी करने पे चौकीदारा करने पे मालक चौकीदार बैठ के गरीबी नी वजह तू इत्थे 2-3 हज़ार रुपया महीने पर मैं राखी भी करना रहा इन अंबा ने। ये अंब अपने जोबन फलने से तकरीबन 200-300 मण अंब इन्हां नाल लगना सी जिहड़े ठेकेदार चाही किन्ने से ਉਹ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੋੜਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਠਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਮੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਬੂ ਅੰਬ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਬ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਲਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਬੋੜੀਆਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਤਲਾਹ ਖਨਾਣੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਬਾਦ ਪਏ ਅਸਾਂ ਕੀ ਖੂਤ ਕਾਸੋ ਖੂ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਦੱਸੇ ਨਾ ਬਾਬਲੀ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਔਰ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਪਜ ਨੀਹਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਪੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਖੂਹ ਜਨਾਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੜਕਿਆਂ ਖਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਹ 30-35 ਗਜ਼ ਹੈ ਡੂੰਘਾ, ਜਿਸਕੀ ਕੋਈ 6-7 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ। ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਇੱਥੇ ਛਾਲੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਥਰ ਉਠਾਉਣਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਪਾਉਣਾ, ਅੱਛਾ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਦੁਗਬਜ ਨਹੀਂ ਆਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿਸਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ 30-35 ਗਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਇਸਨੇ ਪਾਣੀ ਸੀ 6-7 ਗਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਤਰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਸਣਾ ਸਾ? ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਪਰ ਤਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਖੂਹ ਸਦਰਾ ਪਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਛੱਡਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਪੱਟੀ ਛੱਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਟਿਕਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਚਲੋ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਖੂਹ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣੇ ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-6 ਗਜ਼ ਹੈ, 5-6 ਗਜ਼ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਲੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਗਏ
ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ जनाब ठगर द्वारे जगह ठगर द्वारा सी जगह जड़ी है देख सकते हो इत्थे बाउंड्रीज जिहड़ियां ने मकानां दियां नीहां जिहड़ियां ने हले भी जिहड़ियां ने मौजूद ने इस जगह दे उत्ते। और इस जगह दे उत्ते निशान साहब जिहड़ा है वह बहुत वड्डा पिया होया है। जिहड़ा पत्थर है जिहदे च निशान साहब लाया गया सी वह देखो सामने तुसीं निशान साहब जिहड़ा है जिथे लगता सी झूलते निशान रहे पंथ महाराज के। कदी इत्थे इह वाले नारे भी लगते होणगे ठीक है जी। ए वो जगह जिथे निशान साहब लगता सी इथों ही थले मेरा ख्याल है गया है रिड़ के थले गया है। और बाकी इस जगह सारी दसिया जा रहा कि सरावां और गुरु घर जिहड़ा सी वो इस जगह दे उत्ते सी। इत्थे ही नाल एक थले बावली भी है ठीक है जी। और बाबा जी जिहड़ी गल तुसीं दसने हो एक होर कि इह वाला जिहड़ा अपनी बावली है मेला लगना सी उस वक्त लंगर भंडारा देने से कह मुसलमान की कह अपने मजहब की। बाबा जी भंडारा के चलना सी कोई दसने कोई बड़े का किस चीज ना भंडारा बंडने सी उस वेले रोटी गोश्त हो गया चावल हो गए ठीक है। और इतना बहुत बड़ा बाजू ना दंगल होना सी बाजू पाउना और पत्थर उठाना और जितनी आवाम अशनी सी ना ये सारी सर जमीन च लाख दो लाख बंदा मिट जाना सी इतनी बड़ी जगह। हाँ 75 कनाल को थोड़ी जी है जी इतना पत्थर उठाना बाजू पाउना और तीन दिन उन्होंने लंगर चलना सी दुख पजनी वाला मेला जिले रावल पिंडी मशहूर सी। लोग आने से चलो जी दुख पजनी वाले मेले पर झूले उ बांह पौड़ सा उ जलेबी खा सा और पानी इतों मुकना ही नहीं सी खास करके बावली। कितने खूह से थे इतना जनाब उन्होंने दो खूह दो बावलियां एक उन्होंने और दीसी चार चूकी शकल जी उन्होंने बरामदे ने अंदर सी बरामदा सी उस पर जिसने जेठ हाड़ इया समझो कि बर्फ है इतना ठंडा सा पानी इतना ठंडा वो बरामदे ने अंदर सी जड़ी वो जाती साधु संत जड़े इतने रहने से पीने से वो पानी पीने से सिर्फ। अच्छा बाकी ऐ जड़ी ए जगह ए जड़ा खूह है पत्थर वाला इसने अगा मैं अपनी सूती तकिया माल्टे किनुआ ने बूटे लगे इस बड़किया मेरे नाम जी मेरे बाप का नाम सी पुराना करतार सिंह जी और उन्होंने वालद का नाम सी हीरा सिंह। माई मेरी जी है वो बावे महला ने खानदान ही चू सी बाबा खैम सिंह ने खानदान ही चू उन्होंने बेटे नहीं बेटी सी जिसना नाम सी गुरु भगत सिंह दवात्री नमज सरेठ जिसकी टिक्का आखने से अपनी देसी जबान पूरे जिले पिंडी ने लोग आने से बावे ना बेटा टिक्का बेदी टिक्का। हाँ जी ते तुसा नी अम्मी ना नाम मेरी अम्मी ना नाम सी बलवंत कौर ते फिर दोबारा
दोबारा मुसलमान होए तो रखा गया ज़ैनब बीबी। किस तरह महसूस होना अपने प्यो दादे नी जमीन पर तुसी आने हो दोबारा, क्योंकि तुसा ने सियाणियां ने खान कीता सुल्तान सिकंदर की किताब पढ़ो, उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों बाली थे, सिकंदर जब गुजरे दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। वो लिखा है मेरे नाल मैं तगड़ा रोना है, कोई अपना फिजला कोई नहीं, रोई तो चुप करी करो, किया तो आ कर रहा मेरे जीने को नहीं बनाया। औलाद ने ना से पूरन सिंह, सुंदर सिंह, दयाल सिंह, प्रताप सिंह, फिर अगे पूरन सिंह ने जेड़े मेरे दाद पोतरे पाई से उन्ना त्रिया ने ना से किशन सिंह, हरबन सिंह और बिशन सिंह। अच्छा, इतरा मेरे दाद पोतरे पाई से चाचे दे पुत्र प्रा चाचे दे पुत्र से इथू खैरी खरामे है। बीबियां तो कुछ मर गई, वो बेचारे दो बसा सी मेरे चाचे सुंदर सिंह दियां। अच्छा। उन्हें दोए बसा लाई ना थोए अड्डे विच इकी कोल आकी सी इकी कोल करपान सी। अच्छा। दोए खली के क्यों केसर जड़ा सी ना अगे च। हां जी, केसर जड़ा सी। हां जी, ते अरबान ए दोए सट बाए विच सारी फैमिली विच। अच्छा। दोए बसा ने कोल खली के उना आया जड़ा नेड़े आया कपी सट सो। अच्छा। जड़े को रहने खने से खैरी खरे में दोए बसा भरी ना जी जी किनी ते जुलने रे। अच्छा, किन के जुलने रे हो तुम्हारे परिवार ने नाम सिन ते जेड़ी तुसा ने एक अमशीरा तुसी दसने हो जेड़े सिख से। अमशीरा जेड़ी मेरी सी जसवंत कौर ओ डेरे खालसा शादी शुदा सी। अच्छा। डेरे खालसे तू हो उजड़ के ना चले गए इंडिया च। केड़ी जगह गए सी तुसा पता ते लगा सा? दीपालपुर। दीपालपुर गए? दीपालपुर खास शहर है बीच। अच्छा, ते उथों तुसी दसने सो ना कोई और नाम भी किन्ने सो पटियाले चले गए से? पटियाला, दीपालपुर, फिर चाचा एक जड़ा आ जिसने बच्चों ने मैं ना किंदे ए चाचा जड़ा आता अपने हैं पहला शहर खिड़ा सुना इंडिया तक अमृतसर। अमृतसर ते त्रै चाचे चार जड़े वो दिल्ली, इसलिए दिल्ली उन्होंने 100 गड्डी है सुंदर सिंह एरर। अच्छा, 52 सीटर डब्बे ने 100 डब्बा हर नहीं उन्होंने तुसा जानने हो बाबा सुंदर सिंह नु? वो इत्थे जिसले आए ना साड़ी अमशीरा ही किन्नी गए उसले तके दो भरा। अच्छा, क्योंकि उन्होंने एक बच्ची जिहड़ी है ना इत्थे रही गई सी जिहड़ी ग्राउंड स्कूल ड्राइवर नी बीवी सी तो उसनी वजह तो आए से चोरी छपे उसकी पलाई दलाई दा आख्या ने आसा नाल उत्थे जिहां जोल गड्डी खलाई इसने बाइत किन्नी गए जिले ग्रामर रसूल के सा खबर दी थी वो फिर वाग है बॉर्डर पर पहुंच गया। ठीक है, उठा फिर साल पूरा केस चलना क्योंकि उस बीबी एक ही गल आ गई कि मैं मुसलमान हो गई मैं ना जाने वो फिर किनी है